बढ़िया खबर YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। साल 1987 के मशहूर शो रामायण ने टीवी की दुनिया में सफलता की नई बुलंदियों को छुआ था। देश में लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। रामायण के दोबारा प्रसारण के बाद TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दर्शक इस सीरियल की स्टार कास्ट और उनके निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए आज हम रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी की रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे। सुनील लहरी को लक्ष्मण के किरदार में लोगों ने काफी पसंद किया था। सुनील लहरी साल 1980 से एक्टिंग कर रहे हैं। रामायण से पहले इन्होंने कई टीवी सीरियलों में काम किया। इन्होंने विक्रम वेताल, दादा दादी की कहानियां और कुछ फिल्मों में भी काम किया। सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी 1961 को मध्य प्रदेश के दामोह जिले में हुआ था। सुनील एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। बचपन दामोह में गुजारने के बाद इनका परिवार भोपाल आकर शिफ्ट हो गया था। इनके पिता डॉक्टर शिखर चंद्र लहरी पेशे से एक डॉक्टर थे, जो एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का काम करते थे। इसके अलावा सुनील लहरी के परिवार में माता तारा लहरी और एक बहन और दो भाई शैलेंद्र लहरी और शशेंद्र लहरी है। सुनील लहरी ने दो शादियां की है। इनकी पहली पत्नी का नाम राधा सेन था, लेकिन उनको तलाक देने के बाद इन्होंने दूसरी शादी भारती पाठक से की। सुनील लहरी का एक बेटा भी है, जिसका नाम रामकृष्ण पाठक है। कृष्ण पाठक आज टीवी सीरियलों में काम कर रहे हैं। फिलहाल वर्तमान समय में सुनील लहरी अपनी पत्नी और परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और वहां वे अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। वैसे रामायण में लक्ष्मण का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।